वेलकम बैक टू डी पी सर इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 9th की 4th पोयम को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका टाइटल है इंडियन वेवर्स, भारतीय जुलाहे। इसको कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने, जिनका जन्म 1879, जिनकी मृत्यु 1949 को हुई थी। तो कवयित्री सरोजिनी नायडू इस कविता में, इंडियन वेवर्स नामक इस पोयम में, जुलाहों से कुछ प्रश्न पूछती हैं। मतलब कहने का कि यह पोयम जो है एक डायलॉग फॉर्म है, एक संवाद है कवयित्री और जुलाहों के मध्य में। इस पोयम में कवयित्री ने मानव के जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, और पहली अवस्था एक नवजात बच्चे की है उन्होंने, यानी कि मानव के जीवन का आरंभ एक नवजात शिशु की तरह होता है। तो पहला अवस्था है वह एक बच्चे का है। दूसरा अवस्था जो है मानव के जीवन का, वह विवाह का है, और जो तीसरी अवस्था है वो मृत्यु का है। तो इस तरीके से इस कविता के माध्यम से पोएटिस सरोजनी नायडू ने मानव के जीवन के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। किस तरीके से किया है, ये डायलॉग फॉर्म में है, प्रश्नों के माध्यम से कवयित्री जुलाहों से पूछती हैं और जुलाहे उत्तर देते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, और किस तरीके से पोएटिस 3 स्टेजेस का वर्णन करती हैं, चलिए हम पोएम पे बढ़ते हैं और एक एक स्टेंजा को स्टडी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पहला स्टेंजा है, बड़े ध्यान से हर एक लाइन को समझिएगा। वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यहाँ पर कवयित्री लिखती हैं, वेवर्स का मतलब हुआ जुलाहे, वेविंग का मतलब हुआ बुनना, एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब हुआ भोर में, यानी कि सुबह तड़के। यहाँ फ्रेज के रूप में है, एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब हुआ भोर, यानी कि सुबह तड़के। तो वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे के जुलाहे भोर के समय में वस्त्र बुन रहे हैं। वेविंग का मतलब हुआ वस्त्र बुनना, तो जुलाहे भोर के समय में वस्त्र बुन रहे हैं। अब यहाँ पर कवयित्री प्रश्न पूछती हैं इन जुलाहों से, क्या पूछती हैं, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, कि तुम भोर के समय में इतना चमकीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो। गारमेंट का मतलब हुआ वस्त्र, और गे का मतलब हुआ चमकीला, और सो का मतलब हुआ इतना। तो यहाँ पर पोएटिस इन जुलाहों से पूछती हैं कि वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, कि तुम भोर के समय में इतना चमकीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो। चूँकि पोएम डायलॉग फॉर्म में है, उसके बाद में अब जुलाहे प्रत्युत्तर देते हैं पोएटिस के इस क्वेश्चन का, क्या, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड वी वेव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब यहाँ पर जुलाहे कवयित्री को उत्तर देते हैं कि जंगली पक्षी, जंगली नीलकंठ पक्षी के पंखों की भांति हम नीले रंग के वस्त्रों को एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया कवयित्री को कि हम यहाँ पे कौन हुए, जुलाहे। हेल्सियन का मतलब हुआ नीलकंठ पक्षी, नीले रंग का होता है, आप लोग देखे होंगे। वाइल्ड का मतलब हुआ जंगली, विंग का मतलब हुआ
पंख, और ब्लू का मतलब जानते हो आप नीला रंग, वेव का मतलब बुनना, रोब्स का मतलब हुआ वस्त्र, यानी कि जो नवजात शिशु के लिए वस्त्र है, तो उस वस्त्र के लिए पोएटस ने वर्ड का यूज़ किया है रोब्स। ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु यानी बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो जुलाहे हैं वो उत्तर देते हैं कि जंगली पक्षी नीलकंठ के पंखों की भांति नीले रंग का वस्त्र हम एक नवजात बच्चे के लिए बुन रहे हैं। अर्थात कि यहाँ पर मानव का आरंभिक जीवन एक नवजात बच्चे से आरंभ होता है। जिस प्रकार भोर होती है, सुबह होता है, भास्कर की किरणों से पूरा संसार जगमग हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही सुबह के समय की तुलना कवयित्री ने एक नवजात शिशु से किया है, या नवजात बच्चे की तुलना सुबह से किया हुआ है। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार लाइन फिर से देख लीजिएगा। कवयित्री पूछती हैं कि तुम इतना चमकीला वस्त्र भोर के समय क्यों बुन रहे हो? तब यहाँ पर जुलाहे उत्तर देते हैं कि हम जंगली नीलकंठ पक्षी के पंखों की भांति नीले रंग का वस्त्र एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। यहाँ हमारा अगला स्टेंजा है वेवर्स वेबिंग एट फॉल ऑफ नाइट, यानी जुलाहे शाम के समय वस्त्र बुन रहे हैं। वेवर्स का मतलब हुआ जुलाहे, वेविंग का मतलब हुआ बुनना, और एट फॉल ऑफ नाइट का मतलब हुआ शाम का समय। तो जुलाहे शाम के समय वस्त्र बुन रहे हैं। तब इस पर कवयित्री उनसे पुनः प्रश्न करती हैं, क्या वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि तुम शाम के समय या संध्याकालीन इतना रंगीला और चमकदार वस्त्र क्यों बुन रहे हो? ब्राइट का मतलब चमकीला, चमकदार, सो का मतलब इतना। तो वाई डू यू वेव का मतलब बुनना, कि तुम शाम के समय इतना चमकीला रंगीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कवयित्री पुनः प्रश्न करती हैं किनसे? वेवर्स, जुलाहों से। अब थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में जुलाहे उत्तर देते हैं कवयित्री को, क्या लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। मतलब यह हुआ कि मोर के पंखों की भांति, प्लम्स का मतलब हुआ पंख, पिकॉक का मतलब हुआ मोर, लाइक का मतलब हुआ की समान या की भांति, तो मोर के पंखों की भांति बैगनी और हरे रंग का वस्त्र हम रानी के विवाह में पहनने के लिए बुन रहे हैं। मैरिज वेल्स का मतलब हुआ विवाह में पहना जाने वाला वस्त्र यानी पोशाक, शादी के समय जो पहना जाने वाला पोशाक होता है उसको कवयित्री यहाँ पे मैरिज वेल्स से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर हुआ लाइक द प्लम्स ऑफ पर्पल एंड ग्रीन वी वे माने बुनना, द मैरिज वेल्स, वैसे जानते हैं आप मैरिज माने शादी होता है, और एक्चुअल में वेल का मतलब घूंघट होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा मैरिज वेल्स का तात्पर्य क्या हुआ? विवाह में
पहना जाने वाला वस्त्र यानी पोशाक। और जानते हैं क्वीन माने रानी, तो यहाँ पर जो जुलाहे हैं वो कवियत्री को उत्तर देते हैं कि मोर के पंखों की भांति बैगनी और हरे रंग की पोशाक हम रानी के विवाह में पहनने के लिए बुन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरी अवस्था का जो वर्णन कवियत्री ने किया है वह दूसरी अवस्था है विवाह का, और यह जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था होती है। तो दूसरी अवस्था जो होती है विवाह की, और यह जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था होती है। चलिए अब तीसरी अवस्था पर हम चलते हैं। तीसरी अवस्था है यहाँ पर हमारा क्या है, वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टिल। अब जुलाहे गंभीर हैं और शांत हैं और वस्त्र बुन रहे हैं। कवित्री सोलेमन का मतलब हुआ गंभीर, स्टिल का मतलब हुआ शांत, एंड का मतलब और वेविंग का मतलब बुनना, और वेवर्स का मतलब जुलाहे। तो कवियत्री कह रही हैं कि जुलाहे गंभीर हैं और शांत हैं और वस्त्र बुन रहे हैं। सोलेमन का मतलब गंभीर, स्टिल माने शांत, गंभीर हैं और शांत हैं और वस्त्र बुन रहे हैं। दे आर वेविंग द क्लॉथ एंड दे आर वेरी सीरियस एंड दे आर वेरी स्टिल। फिर है अब कवियत्री पुनः प्रश्न करती हैं, व्हाई डू यू वेव इन द मून लाइट चिल। अब कवियत्री प्रश्न पूछती हैं कि तुम इस ठंडमयी चांद के प्रकाश में गंभीर और शांत होकर के वस्त्र क्यों बुन रहे हो। कवियत्री पूछती हैं कि तुम इस ठंडमयी, चिल माने ठंड या ठंडा, मूनलाइट माने चांद का प्रकाश, वेव माने बुनना, तो कवियत्री प्रश्न पूछती हैं कि तुम इस ठंडमयी चांद के प्रकाश में गंभीर और शांत मुद्रा में वस्त्र क्यों बुन रहे हो। अब थर्ड लाइन में यहाँ पर जुलाहे उत्तर देते हैं कवियत्री को कि वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी वेव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो जुलाहे कहते हैं कि पक्षी के पंखों और बादल की भांति सफ़ेद वस्त्र हम एक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के कफन के लिए बुन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जुलाहे एक कफन बुन रहे हैं, वस्त्र वह सफ़ेद है, ऐसा सफ़ेद है जैसे कि एक पक्षी का पंख और जैसे कि एक बादल सफ़ेद होता है, उस तरीके से वे सफ़ेद वस्त्र को बुन रहे हैं। किसके लिए? एक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के कफन के लिए। यानी कि यहाँ पे देखिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, तुलना किया गया है कि जिस प्रकार पक्षी का पंख और बादल सफ़ेद होता है उसी प्रकार वे सफ़ेद वस्त्र एक मृत व्यक्ति, डेड मैन, फ्यूनरल माने होता है दाह संस्कार, और श्राउड का मतलब होता है कफन। यहाँ पर फ्यूनरल श्राउड, फ्यूनरल माने दाह संस्कार, श्राउड माने कफन, डेड मैन्स का मतलब मृत व्यक्ति। तो यहाँ पर जुलाहे कह रहे हैं कि पक्षी के पंख और बादल की भांति हम सफ़ेद वस्त्र एक मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के कफन के लिए बुन रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूनरल और श्राउड, कफन मतलब दाह संस्कार और कफन का तात्पर्य मानव की तीसरी अवस्था से लिया गया है जो कि मौत की अवस्था होती है। तो रात की तुलना यहाँ पर इंसान के तीसरे जीवन से किया गया है जिसे मौत की अवस्था कहती है। तो इस तरीके से कवियत्री ने
इस पोयम में मानव के तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है, जन्म का जिसकी तुलना सुबह से किया, फिर विवाह का जिसकी तुलना शाम से किया, फिर मृत्यु का जिसकी तुलना रात से किया। और इस तरीके से मानव अपने जीवन को गुजारते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर किसी नए स्वरूप के लिए चला जाता है, फिर कोई अगला नया जन्म पाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कवियत्री ने इस पोयम को इंडिकेट किया है। यहीं पर आपकी पोयम समाप्त होती है। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। थैंक यू।